नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इधर काफ़ी समय से हम लोग की आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी और काफ़ी मित्र जिक्र जो बात करते हैं वो जिक्र करते रहते हैं कि चैनल शुरू किया जाए। थोड़ा समय की अनुपलब्धता हो रही थी। खैर कोई नहीं, अब हम लोग आशा कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग अब शुरू कर पाएँ अपना इंटरेक्शन। दोस्तों तो शुरू करें, बहुत से मित्र भी ऐसे हैं जिनके पास इधर बीच में फीड वगैरह यहाँ से भेजा गया है, वो भी जिक्र कर रहे थे कि हमारा बोला नहीं गया है काफ़ी समय से, तो उनका भी मैं जिक्र कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। दोस्तों जैसे अभी रांची वगैरह और डाल्टनगंज और इधर आजमगढ़ वगैरह डायरेक्टली जाने लगा है तो हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं लिस्ट हाथ में रखूँगा तो उसका भी जिक्र कर दूँगा, जब फीड यूनिट के आसपास होंगे तो वो फीड के जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका लिस्ट भी मैं जिक्र कर दूँगा दोस्तों। और काफ़ी समय से बात नहीं होने से बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं इधर। हमने बरसात में एक जैसे हमने पहले जिक्र किया है, हम लोग न्यूट्री फीड एडवांटा का लगाते थे दोस्तों, तो इस बार न्यूट्री फीड के साथ हमने एक मेगा स्वीट ही भी लगाया है, एडवांटा का ही है। इसकी फसल भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी इसको 1 से 2 कटिंग की बात करती है। तो मैं अभी दिखाता हूँ एक जो खेत हम लोग ने एक बार काट लिए हैं, दोबारा उनकी स्प्राउटिंग की क्या पोजिशन है, और जो हमारा रेगुलर वाला जो वो लगता है जो न्यूट्री फीड लगता है उसका भी देखते हैं क्या पोजिशन है, और थोड़ा कंपैरिजन थोड़ा जब एक आध महीने और बीत जाएंगे तो और अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। अभी तो कमी कम खेतों की दोबारा कटाई हुई है, पहली कटाई हो पाई है। तो अब जैसे मेरे पास जो एक पीछे खेत है दोस्तों, तो ये है ये कट रहा है, ये कटना शुरू हो चुका है। मैं कैमरा इसको वो करता हूँ, शायद बेहतर देखने की पोजिशन में होंगे हम लोग दोस्तों। यही है और इधर कट रहा है, असल में बरसात और इधर आधी पानी के साथ जो है काफ़ी लेटने लगा है जल्दी 10-10 फीट का 9-9 फीट का होने लगा है, तो ये लेट रहा है धीरे, इसलिए इसको काटना जल्दी से शुरू किया गया है। और उधर जहाँ पीछे फसल खड़ी है देखें, 9-9, 10-10 फीट की हाइट पकड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है देखें, इसका तना जो है ये बहुत मोटा, ये बिल्कुल जैसे ध्यान से देखा जाए इसके तने को तो ये जो तना है ये बहुत मोटा है और ये कड़ा नहीं होता है, तो सबसे अच्छी बात तो इसकी ये दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से अच्छा चारा है। थोड़ा पक्का फीडबैक देने के लिए थोड़ा 1 महीना और बीतना होगा। और इसको मैं इधर भी दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये तो हो गया जो एक बार अभी पहली कटान हो रहा है, और इधर जो खेत है वो एक बार कट चुका है, वो दोबारा स्प्राउटिंग है समझ लें। मैं दिखाता हूँ इधर, ये है जो ये हम लोग के सामने जो खेत दिख रहा है ये एक बार कट चुका है दोस्तों। ये इस साइड जो दाहिने साइड में है ये एक बार कटिंग हो चुकी है इसकी, और कंपनी 1 से 2 कटान कहती है, और कुछ लोगों ने जिक्र किया था कि सिंगल कटान, लेकिन सिंगल कटान तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इसकी ग्रोथ आई है और ये फिर तैयार हो रहा है। तो ये इसकी एक कटिंग हो गई है, ये दोबारा तैयार है, और अभी मेरे हिसाब से खेत में भी गहराई होगी 1 फीट की, तो ये 5-6 फीट हो गया है। और इधर जो जैसे ये खेत कट रहे हैं, इधर देखा जाए जो अभी मैं दिखा के लाया था, ये अभी पहली कटान हो रही है दोस्तों। थोड़ा लेट गया है बरसात के मारे, बरसात और हवा के उससे, तो उससे कोई ज़्यादा मसला नहीं है, फसल तो बहुत अच्छी है इसकी भी तैयार हुई। अच्छा, दूसरा कंपैरिजन की बात की जाए तो जैसे ये देखा जाए, जैसे ये दोबारा जमने की बात हुई, बगल में हमारा इसके साथ देखें ये न्यूट्री फीड है, इसके पत्ते जैसे मेगा स्वीट है, इसके पत्ते चौड़े हैं और तने थोड़े मोटे हैं। मेगा स्वीट ये रहा और न्यूट्री फीड जो है ये है, ये दोबारा जमा है। अब देखिए दोस्तों क्या मसला है ना, न्यूट्री फीड के हिसाब से ये हाइट ज़्यादा है। अब मुझे लगभग विश्वास है कि अब की बार जब ये कटेगा तो ये दोबारा फूटेगा नहीं, क्योंकि न्यूट्री फीड के साथ यही समस्या है। हम लोग के पास खेत ज़्यादा हो रहे हैं, चारा ज़्यादा हो रहा था इसलिए कट नहीं पाया अभी, तो अब ये कमर के ऊपर जा रहा है। अगर न्यूट्री फीड को हम लोग कमर के ऊपर ले जाएंगे तो ये दोबारा नहीं जमेगा, यही इसकी टिपिकल प्रॉब्लम है। और अभी हम लोग ये न्यूट्री फीड एक बार कट चुकी है देखें, और इधर पूरा तो ये अच्छी उगी है, पहली बार जल्दी काटी गई थी तो समय से उग गई है। अब दोबारा अगर आप लेट कर रहे हो तो आप मान के चले कि न्यूट्री फीड ने नहीं उगना है। और तो अब मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ कि एक ये न्यूट्री फीड है, दूसरा ये मेगा स्वीट है, और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा। न्यूट्री फीड मल्टी कट कहती है कंपनी एडवांटा, और ये जो है ये 1 से 2 कट कहती है। तो अभी दूसरे कट के लिए तो अच्छा तैयार हो रहा है, आगे देखते हैं क्या करता है दोस्तों ये, तो और अच्छा फीडबैक दे पाएंगे। अब मैं चलते हैं तो हम लोग डेयरी की तरफ भी, वहाँ भी हम लोगों ने एक खेत में मेगा स्वीट लगाया, वो कटने की तैयारी पे है, बहुत अच्छा ग्रोथ है उसकी भी, तो पहली राउंड में ग्रोथ देखे तो काफ़ी खुशी है दोस्तों। बाकी फिर देखते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं डेयरी की तरफ दोस्तों। अब यहाँ हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं, आ गया मैं डेयरी की तरफ खेतों से, तो
ये थोड़ा प्रेग्नेंट हीफर है, इनको दिखाते हैं, देखते हैं और फिर हम लोग चारे की बात करते हैं। थोड़ा कीचड़ होना बरसात में, कितना भी कोशिश की जाए, थोड़ा बालू वालू हम लोगों ने डाला था लेकिन अब इतने जहाँ गाय रहेंगी तो हिला ही देती है माहौल। इधर प्रेग्नेंट हीफर हैं, गाय लग रहा है मिल्किंग वाली, मिल्किंग टाइम में भी उधर है। इधर देखते हुए चलते हैं भीतर की तरफ। और जो चारे की बात कर रहा था वो चारा का मेन डिस्कस करते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोगों को बात किए, तो एक बार इधर इनका बछिया है ग्रोवर, मिल्किंग वाली गाय मिल्किंग और फीडिंग में लगी हुई हैं अपनी। थोड़ा इधर एक राउंड मार लेते हैं फिर चारे की बात करने चलते हैं। आगे की तरफ ही हंसो, मिल्किंग काऊ मिल्किंग के बाद अपने फीडिंग में लगी हुई हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जो रोज बात होती रहती है कि सर चैनल पे वीडियो डालना शुरू करिए, तो हमने कहा आप शुरू करते हैं। और मुझे थोड़ा हंसी आती है, एकाक मित्र इन बेचारे परेशानों को ये भी लिखना शुरू कर दिया था डेयरी बंद कर दिया हुआ है क्या। नहीं दोस्तों, डेयरी बंद नहीं कर सकते, बहुत जान लगाई हुई है हमने, है ना। अच्छा दोस्तों देखिए, लगे हाथों में एक जिक्र और कर लेता हूँ, इधर मैं कर लगे हाथों में एक जिक्र ये करना था कि जैसे ये देखिए स्प्रिंकलर चल रहा है, तो स्प्रिंकलर का ये अच्छा टाइम है, लेकिन हम लोग इस समय फॉगर कम से कम चलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि फॉगर इस समय बहुत ह्यूमिडिटी पैदा करता है और हवा में नमी पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर आइडिया ये होगी कि हम लोग अगर चला रहे हैं तो स्प्रिंकलर चलाएं दोस्तों, है ना, और फॉगर का प्रयोग कम से कम करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप इस समय फॉगर चलाएंगे तो ह्यूमिडिटी होगी और जितना मौजूद ह्यूमिडिटी 90% पहले उसको और डिस्टर्ब करेगी। तो बेहतर आइडिया ये है कि हम लोग इस समय स्प्रिंकलर चलाया जाए, अगर चलाना ही है तो चले लगे हाँ। तो अच्छा हुआ हम लोग सेड में आए तो ये भी बात हो गई कि और स्प्रिंकलर का हमने एक वीडियो बना रखा था पहले ही, उसको ध्यान से देख लिया जाए और उस हिसाब से हम लोग उसी फॉगर वाली लाइन में स्प्रिंकलर ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइम हम लोगों के लिए स्प्रिंकलर का है। अब देखें मैं दिखाता हूँ ध्यान से, पशु बहुत पसंद करते हैं, आना चाहते हैं। अब इनके ऊपर हवा पानी पड़ रहा है, ये आराम से इसके नीचे अपना इसका आनंद ले रहे हैं। चलते हैं, जो अपना मुद्दा हम लोगों ने लिया था दोस्तों उसको कंप्लीट करते हैं। इधर हीफर्स हैं, सेट में थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब होती है क्योंकि बड़े पंखे चल रहे होते हैं, तो इधर ज़्यादा बात करना संभव नहीं होगा। हमारे मित्र बात करते हैं जैसे होती रहती है बात कि चैनल देखें, चैनल एक तो समय कम और दूसरा फीड यूनिट की व्यवस्था और दूसरा मौसम, आप कहीं भी 10 मिनट के लिए खड़े होने में पसीने में डूबे जा रहे हैं, तो 45-46 डिग्री गर्मी पड़ी 1-1.5 महीना और हालत ख़राब करके रखी दोस्तों। बाहर तो कीचड़ हो गया, इसको रोक नहीं सकते। बच्चियों का हमने गेट बंद कर दिया है, भीतर रुकी हुई हैं बच्चियाँ। अब चारे की बात करते हैं दोस्तों, ये कट रहा है, यही मैं चारा जिक्र करना चाह रहा हूँ। मेगा स्वीट मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे चारों को वो करेगा, मतलब उससे उनसे बेहतर नतीजा देगा। देखता हूँ नीचे इनकी तरफ आके,
अब इनका दोबारा कटाव फुटाव देखा जाए, जैसा हमने अभी पहले दिखाया उधर अपने फीड यूनिट के पीछे वाले खेतों में, तो उधर तो नतीजा दिख रहा है। और ये देखें, मैं ऊपर खड़ा हूँ काफ़ी, थोड़ा नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ खेतों में। देखें अब ये जो है लगभग लगभग मेरे ऊंचाई से, मेरी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 4 इंच टाइप से है, तो तब भी उस कम से कम वहाँ हमसे 3 फीट तो ऊपर ये है ही है दोस्तों। देखें ये तो 8-9 फीट पहुँचा हुआ है चारा, ये इधर से काटने लगे हैं लोग। अब ये खेत, इस खेत में तो पानी भरता है, देखते हैं दोबारा उग पाएगा क्या करेगा, लेकिन अभी जस्ट कटैया हो रही है तेज़ी से। और इसकी डंठल देखें, मेन मसला है ना इसका तना जो बड़ा है, अच्छा लगता है देखने में कि इसमें वो है, थोड़ा मोटा है और ये जूसी समझ लें, उतना कड़ा डंडी इसकी नहीं है जैसे हमारे सूडान उडान में होती है सीजन चरी में, वैसी नहीं है, ये अच्छा है दोस्तों। और ओवरऑल क्या नतीजा देता है आने वाले समय में दूंगा फीडबैक, अभी तो अच्छा दिख रहा है और चारों तरफ हरियाली इसने बना रखी है, बड़े चौड़े चौड़े पत्ते हैं, अच्छे क्वालिटी के मक्के की तरह। कंपनी इसका 2 कटिंग कहती है, 1 से 2 कटिंग कहती है, मल्टी कट नहीं कहती कंपनी इसको। और अच्छा दोस्तों, अब तो कुछ और बात भी करनी थी, इसको मैं अपनी तरफ कर, तो एक तो देखें ये हो गया चारे की बात हो गई, कि हम लोग न्यूट्री स्वीट के साथ साथ एक और चारा ट्राई कर रहे हैं, मेगा स्वीट वगैरह, इसके नतीजे आने वाले समय में और मजबूती से मैं जिक्र कर पाऊँगा। और एक और बात कहनी थी दोस्तों, कि जैसे कुछ मित्र हैं, जैसे मैं देख रहा था, वो मैं एक अगला वीडियो ही बना लूँगा कि पुआल के इस्तेमाल को लेके, देखिए आप अच्छे क्वालिटी का जो फीड खिला रहे होते हैं तो ऐसे समय में हमारा फाइबर भी अच्छे ढंग से जाना चाहिए, तो कितना जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, क्या भूसा ठीक है, पुआल ठीक है, उसको लेके मैं अगला टॉपिक करता हूँ ध्यान से। और अब आपको शिकायत का मौका शायद ना दूंगा कि हम लोग चैनल बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे इस तरह से, और ऐसा करेंगे कि बात होती रहे और सभी को अपने जिक्र करने का मौका मिले। अच्छा दोस्तों, एक और होता है, मैंने जब समय कम होता है, जब चैनल पे बात नहीं करते तो उसके सवाल जवाब भी छूटने लगते हैं, आपके सवाल मैं देखा चैनल पे बहुत से मित्रों ने, कोई गोपालगंज पूछ रहा है फीड, कोई कहीं पूछ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्त है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से मतलब 15-15 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ, तब भी नहीं कवर हो रही थी चीज़ें, तो अब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वगैरह रुक गया है तो थोड़ा राहत मिलेगी, मैं आशा है हम लोग कर ले जाएंगे। अच्छा दूसरा, कुछ मित्रों के पास, जैसे हम मैं अभी जिक्र कर रहा था शुरू में भी, कि जैसे कुछ ज़िले हैं जैसे झारखंड के रांची, डाल्टनगंज, इधर बक्सर, आरा, जहाँ ट्रकें अब डायरेक्ट जाने लगी हैं, तो आप लोगों को आप लोग हमसे बात करके इनका नंबर ले सकते हैं, इन मित्रों का, तो मैं ये दे दूंगा। और इधर आजमगढ़ है, मैं थोड़ा लिस्ट भूल रहा हूँ, नहीं तो वो मित्र शिकायत करें, गाजीपुर में भी जाने लगा है, तो मैं वो लिस्ट जो है बात करके अगली बार जब वीडियो करता हूँ भूसे वगैरह का, तो मैं याद करके वो लिस्ट अपने पास रखूँगा और नए मित्रों का सभी का जिक्र कर दूँगा, जिससे किसी को शिकायत ना रहे कि मेरा नहीं बोला है। और जल्दी वीडियो डालूँगा दोस्तों, और फीड यूनिट पर जो जिस काम में हम लोग फंसे थे उसका भी जिक्र करेंगे आने वाले समय में, और आशा है कि रूटीन में बातें होती रहेंगी। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।